नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बटन। क्या आज भी सुई धागे को उस बटन का इंतजार है? अलमारी की दराज में अब भी उसकी यादें बसती हैं। उसकी शर्ट का बटन, पेन का ढक्कन और वो कागज के कुछ टुकड़े जो फेंके थे कभी उसने। अलमारी की सफाई में आज हाथ दराज के भीतर चला गया, मानो बटन ने खींच लिया हो। जैसे एक पल के लिए दिल धड़कना भूल सा गया, सांसें थम सी गई, बरसों बाद लगा उसका स्पर्श पा लिया हो। जैसे बेचैनी की हुक उठने लगी, जिस्म जैसे बिन पानी के भीगने लगा। कुछ देर तक अपनी हथेली पर बटन को रख उसे निहारती रही। बस उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नचिकेत ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वो तिलक मार्ग पर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं देरी से पहुंची थी, इस बात पर वो मुझसे खफा था। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। तभी मैंने उससे अपने गले से लगा लिया और उसे चुप रहने को कहा। नचिकेतन शांत हो गया और मेरी बाहों में खो गया। जब वो सामान्य हुआ, तब मैंने खुद को उसकी बाहों से अलग किया। मेरे बाल उसकी शर्ट के बटन में फंसे और उलझ गए। दोनों ने कोशिश की, लेकिन बटन में उलझे हुए बाल नहीं निकल सके। मैंने बालों को जोर से खींच लिया, तभी बटन टूटकर नीचे गिर गया। मैंने बटन उठाया और उसे अपने पर्स में रख लिया। नचिकेत बोला, दूसरा बटन लग जाएगा, इसे फेंक दो। मैंने इसे पर्स में क्यों डाल रही हो? मैंने उससे कहा, पड़ा रहेगा पर्स में, मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुम्हारी शर्ट में इसे टांग दूंगी। यह सुन वो मुझे एकटक देखता रहा। आज 4 साल बीत गए, ना नचिकेतन मिला, ना ही उसकी शर्ट में बटन टांगने का मौका। तभी से इस बटन को उसकी याद बनाकर संभाले हुए हूँ। आज याद आता है वो भी दिन जब उसे PhD रिसर्च के लिए दिल्ली जाना था। उस दिन बेहद परेशान था। मैं चुपचाप बैठकर उसे देख रही थी और कॉफ़ी पीती रही। 2 घंटे में 3 कप कॉफ़ी पी चुकी थी और वो कागज़ पर लिखे जा रहा था। मैं उसे बीच बीच में टोक रही थी, मुझे ज़रूरी बात करनी है, सुन लो प्लीज़। लेकिन उसने कहा, चुप होकर बैठो, जब काम खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे। शाम होने लगी, उसका काम भी लगभग पूरा हो गया। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे 1 साल के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा सुधा। ये सुनकर मैं घबरा गई, चेहरे का रंग उड़ गया, गले का पानी जैसे सूख गया हो और सीधे आंखों में उतर आया हो। मुझे एकदम से सुन देख नचिकेत बोला, अरे सुधा, तुम ऐसे ही घबरा गई, जैसे मैं लंबे समय के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। सिर्फ 1 साल की ही तो बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं मेरा सपना पूरा करने जा रहा हूँ। रिसर्च पूरी होते ही मैं लौट आऊँगा, अच्छी नौकरी होगी, फिर हम दोनों फौरन शादी कर लेंगे। अब मैं उसे क्या कहती कि मत जाओ, रिसर्च छोड़ दो, पहले शादी कर लो, घर वाले लड़का देख रहे हैं, भाग चले। जिस रिसर्च के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था और अपने सपने को सच करने में जुटा हुआ था, क्या उसका सपना यूं ही तोड़ देती? मैंने अपनी बात दिल में ही दबा ली और उसे एक दिल्ली चले जाने दिया। इधर मेरी शादी तय हो चुकी थी, उससे मैं परेशान थी। सोचा नचिकेतन को बता दूं, लेकिन काफ़ी किंतु परंतु के बाद उसे फ़ोन कर लिया। फ़ोन रिसीव करते ही वो बहुत खुश हुआ और बोला, सुधा, तुमने बहुत सही वक्त पर फ़ोन किया है, मैं थीसिस वर्क जमा कराने जा रहा हूँ, बस कुछ दिन बाकी हैं, फिर हम साथ होंगे। मैं अपनी शादी की बात उससे बताते हुए फिर रुक गई। यदि नचिकेत को पता चलता तो वो सब कुछ छोड़कर आ जाएगा, उसका कैरियर खराब न हो जाए,
यही सोचकर कुछ नहीं बताया, मगर इतने सालों बाद आज दिल में कैसी बेचैनी क्यों है? ये इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? न जाने क्या बात है। तभी राजीव आ गए और शाम को अपने दोस्त की वेडिंग में चलने को कह गए। मन तो नहीं था जाने का, पर राजीव क्या सोचेंगे, यही सोचकर चल दी गई। आज की शाम सच में बहुत खूबसूरत थी। ठंडी हवाओं के झोंके, दिलकश नज़ारा, मध्यम संगीत, इस फिजा में नचिकेत की बहुत याद और भी बढ़ गई। मैं राजीव के साथ जरूर थी, लेकिन मेरे दिल के पास इस वक्त सिर्फ नचिकेत ही था। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या उसके शर्ट में अब भी इस बटन की जगह खाली होगी? इसे बांधे रखने वाला धागा क्या अब भी यूं ही शर्ट के साथ बंधा होगा? तभी राजीव आ गए और मुझे हाथ पकड़कर अपने दोस्तों के बीच ले गए। मैं कुछ दूरी पर ही रुक गई। मैंने उनसे कहा, तुम चलो, मैं यही हूँ। राजीव आगे बढ़ गया। सभी लोग बेहद उत्साह के साथ गोल घेरा बनाकर किसी को सुन रहे थे। एक ही शोर था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ होगा? अंत में उसने उदास होकर कहा, आज भी मेरी शर्ट में अटके हुए धागे को उस बटन का बेसब्री से इंतजार है जो कभी बंधा हुआ था उससे। मैं गोल घेरे को तोड़कर आगे बढ़ी। सामने नचिकेत था। हम एक दूसरे को 4 साल बाद देख रहे थे। होठ जैसे सिल गए थे, वक्त जैसे थम गया था। दोनों निःशब्द हो चले। वो अब भी उस बटन के टंगने के इंतजार में है। नचिकेत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया और अपने पर्स से वो बटन निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। शायद मेरे हाथों से इस बटन का टंगना नहीं था। ये कहते हुए मैं हमेशा के लिए लौट गई। नचिकेत की आंखों से आंसू बहकर ज़मीन पर गिरने लगे। धागा बटन का प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। और इधर सुधा की शादी राजीव से हो चुकी थी और नचिकेत अधूरा सा रह गया था। आज भी उसकी शर्ट को उस बटन का इंतज़ार है। दोस्तों, ये थी एक बटन की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों।